नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। दिल्ली के अंदर चुनावों का बिगुल अब कभी भी बजने वाला है, तो सभी पार्टियों ने कस ली है अपनी कमर। तो और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कर रही है हर जगह जगह जनसंवाद, और इसी जनसंवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी का काफिला जुड़ा मादीपुर विधानसभा में, जहां उन्होंने लोगों से पूछे अपने कार्य का हिसाब किताब और लगाई एक जनसभा। और लोगों ने बताया कि कैसा रहा था 93 से लेकर 98 तक बीजेपी का कार्यकाल, कैसा रहा 98 से लेकर 2013 तक कांग्रेस का कार्यकाल, और अब कैसा रहा आम आदमी पार्टी का कार्यकाल। तो लोगों ने दी अपनी अपनी राय। इस मौके पर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। तो लोगों से उन्होंने किए कुछ सवाल, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इसलिए साथियों दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है अगर गलती से भाजपा वाले आ गए तो 200 में बिजली फ्री रह पाएगी क्या? आपकी नहीं से बोलना, पानी फ्री होगा क्या, मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या, अस्पतालों में बच्चों के लिए कंडीशन के लिए रहेगा क्या, ये बातें पहले के लिए बस की यात्रा फ्री रहेगी क्या, ये फरिश्ते योजना रहेगी क्या, ये दवाएं मुफ्त रहेगी क्या, वाई फाई रहेगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। ये अगर गलती से बेईमान आ गए तो आप तो लूटने का भ्रष्टाचार करने का काम करेंगे, लेकिन आजकल गलियों मोहल्लों में क्या प्रचार कर रहे हैं, घूम के क्या कहते हैं, कहते हैं ऊपर भाजपा है लोकसभा में, नीचे भाजपा है एमसीडी में, अगर बीच में भी विधानसभा में भाजपा आ जाएगी तो दिल्ली का बहुत विकास हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है तीनों जगह भाजपा होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को लगता है भाजपा होनी चाहिए, कितने लोगों को लगता है भाजपा तीनों जगह नहीं होनी चाहिए, हाथ उठा के बताइए पीछे तो। अच्छा बोलो, भारत माता की, आम पार्टी की, जो केजरीवाल ने जो भी काम करा उसकी, केजरीवाल ने इतना काम करा फुली फुली नहीं समारी मैं, बैठी बैठी ऐसे बोली, तब मेरा हाथ में कैमरा आवे, और कब मैं बताऊं, ये मेरा कैमरा नहीं है, माई बोलना नहीं आता ने, तू खुद ने इतना काम करा फुली फुली सुन गई, हाँ इतना काम किया, देखो बिजली का काम किया, पहले इतना बिल आते थे बत्ती में बंद करके के बैठते थे, अब इतना बिल आते थे पता नहीं सकती, अनपढ़ गिनती नहीं आती, गिनती नहीं आती, और फिर थोड़ा सा कम किया, मेरा तो जीरो कर दिया, जीरो, अस्पताल में 5-10 साल पहले जाते थे, लाइन में लगते थे, पर्ची बनना बंद हो जाती थी, फिर गया 2-3 दिन पहले किए, फिर बंद हो गई, फिर बाद में गया हम 4 बजे लाइन में लगी है, तो पर्ची बना दी, पर्ची में लाइन लगी, फिर दवाई की लाइन भी, डॉक्टर की लाइन में लगी, डॉक्टर बोला चेक करा, ज्यादा करा भी नहीं है, चेक कर लिया हम, क्या हो रहा है, ठीक है, फिर दवाई में लाइन मिली, माता जी दवाई बाहर से मिलेगी, ओ मेरा आज नहीं हो गया मेरे को आते होते, अब जाते ही 12 बजे चल जाऊं तो पर्ची बनना, अभी 12 बजे भी जाऊंगी तो पर्ची बनना बंद नहीं है, दवाई डॉक्टर पूछेगा मैं एक बीमारी बताऊंगी, डॉक्टर बोलेगा माता जी क्या क्या बीमारी आप पे, और मैं तो भूल गई थी मैं तो बहुत बीमारी है, फिर बाद में बता दी मैं तो बीमारी बाकी, केजरीवाल ऐसा क्या काम, ऐसा डॉक्टर लाया, ऐसा दवाई लेने के लिए, फिर बस मौका मिला ही नहीं, मैं आपसे आ गई, दवाई ली नहीं मैंने, ऐसे आ गई, अस्पताल में बदबू नहीं है, कुछ भी नहीं है, और केजरीवाल ने इतना काम किया, बोलो केजरीवाल की, अरविंद जी की जय, केजरीवाल की तारीफ नहीं है, अरविंद जी की तारीफ नहीं है, किसकी तारीफ है, काम की, बेटा काम करेगा वही तो चलेगा ना, केजरीवाल आएगा तो मैं काम नहीं करेगा, तो काम तो केजरीवाल ही कर रहा है, केजरीवाल करेंगे तो केजरीवाल से ज्यादा तारीफ किसकी है, काम की। बात का कार्यक्रम पूरे दिल्ली में चल रहा है, और अभी आपने देखा कि केजरीवाल जी के कामों से जनता बहुत खुश है, बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा जितना भी काम हम लोगों ने किया है उसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और सब ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से फिर केजरीवाल जी को लोग जिताएंगे। विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, विधायक जब हमारे
काम पर जनता मोहर लगा रही है, विधायक के काम पे मोहर लगा रही है, केजरीवाल के काम पे मोहर लगा रही है, तो खुली सभा में बोला है लोगों ने। संवाद निकला आपके, आपने जनसंवाद हुआ, सुनील सिंह जी आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जनता के अंदर जनता सब समझती है किस मुख्यमंत्री ने काम किया है, ये उसी का नतीजा है। ये इतने लोग घरों से निकल कर आए हैं और इन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर करते हुए जनसंवाद में बताया कि दिल्ली के अंदर हमने नहीं, जनता ने खुद बताया कौन कौन से काम इस सरकार ने किए हैं, इसी की वजह से केजरीवाल फिर से दोबारा जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये उनका प्यार ही है इन लोगों का।